मैं बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ में डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती सिलेबस के बारे में कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भर्ती निकलता है उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कटअप जो है कैसा रहता है, सभी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो सामान्य ज्ञान से आपका 50 अंक का क्वेश्चन आता है और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से 30 अंक आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य गणित से 30 अंक आता है, सामान्य हिंदी से 40 अंक और सामान्य अंग्रेजी से 20 अंक का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कुल बात करें तो आपका 200 अंकों का आता है, तो 40% अंक जनरल और OBC और कैंडिडेट को लाना अनिवार्य है। वहीं बात करें SC और ST तो इनको 30% अंक जो है लाना अनिवार्य है, तभी आपको अगले चरण प्रक्रिया यानी कौंसल परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। कौंसल परीक्षा आपका 100 अंक का होता है। तो कंप्यूटर में अंग्रेजी में आपका 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की आपको परीक्षा होता है, ये 50 अंक का होता है। और हिंदी भी आपका 50 अंक का होता है, 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति ये इसका परीक्षण। तो 50-50 अंक की कौंसल परीक्षा में जनरल और OBC कैटेगरी वालों को 50 में 35-35 अंक लाना अनिवार्य, हिंदी में भी 35 और इंग्लिश में भी 35 आपको लाना अनिवार्य है। वही बात करें SC और ST कैंडिडेट को तो आपको जो है 30 अंक लाना अनिवार्य है हिंदी में और इंग्लिश में, तभी आपको एग्ज़ाम में सफल माना जाएगा। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का कार्य की बात करें तो डाटा एंट्री के पद पर नियुक्त कर्मी द्वारा संबंधित कार्यालय के टंकन संबंधी सभी कार्य किए जाएंगे, जैसे MS ऑफिस में मुख्यतः MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस तथा इंटरनेट से संबंधित सभी कार्य जो है आपसे कराया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में, और मान्यता प्राप्त संस्था से आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपने ITI कोपा के हो, DCA के हो, PGDCA के हो, BCA के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, तो ये सभी योग्यता आपके पास जो है होना चाहिए। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो छत्तीसगढ़ में जब भी डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा निकलते तो इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और बिजली विभाग में निकलते हैं तो इसका सिलेबस जो है ऐसे ही रहता है। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।